ये प्यार दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार ने किस तरीके से जनता की बात को अपने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव लाकर हर वो मुद्दे को पास करने का काम किया जो झारखंड की जनता 30 साल से सोच रही थी या चाहती थी। आज हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं, घबराने की बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तुम एक हेमंत सोरेन को पैदा करो, तुम एक हेमंत सोरेन को कम करोगे, झारखंड की जनता 100 हेमंत सोरेन पैदा करेगा। इसमें चिंता करने की बात नहीं है। हेमंत सोरेन आनंद कारी के बेटे हैं, किशन गुरु सिंह सोरेन के बेटे हैं, जिन्होंने झारखंड को दिलवाने का काम किया था, जिन्होंने झारखंडियों को पहचान दिलाने का काम किया था। आज जब एक आदिवासी का बेटा हमारे बीच में मुख्यमंत्री बनकर आदिवासी मूलवासी और यहां के तमाम जनता का ध्यान रखने का काम कर रहा है, उनका काम करने का काम कर रहा है, तो ये भाजपा की जो लोग बैठे हुए हैं, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, उन्हें ये स्पष्ट रहा नहीं है। भाइयों, इसी रात तक, आज रात हो जाए या सुबह हो जाए, जब तक हमारे नेता नहीं आते हैं तब तक हम लोग को यहीं पे कटे रहना है, अपने हाथ से लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेना है। हम लोग शांति से अपना प्रदर्शन करें और अपने नेता का आने का वेट करें। लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि चाहे तुम लाख कूड़ा करना चाहोगे, चाहे तुम लाख परेशान करना चाहोगे, झारखंड का आवाम अब जाग चुका है और आने वाले समय में आपको इससे भी तगड़ा आने वाले समय में जवाब देने के तैयार है। वापस से हेमंत सोरेन हमारे बीच में पीएम बनकर उभरेंगे, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की एकता बरकरार रहेगी। यही सब धंधों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं और बस इतना बोलूंगा कि हेमंत सोरेन हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं और आगे भी हमारे नेता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।